पुलिसकर्मी के बेटे से त्रस्त युवक ने जहर गटक लिया। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस प्रकरण में फिलहाल हुड़केश्वर थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। मृतक महाड़गी नगर निवासी तुषार सुधीर येवले बताया जा रहा है। उसके पिता बिजली विभाग में कार्यरत है। कुछ दिन पहले उसके पिता ने मौजा कामठी क्षेत्र की जमीन बेची थी, इससे उन्हें लाखों रुपए मिले। यह बात तुषार का मित्र जो कि पुलिस कर्मी का बेटा है उसको पता थी। उसने हुड़केश्वर क्षेत्र में ही कैफे खोलने के लिए तुषार से रुपए मांगे थे। सुधीर उसे जानता था। उन्हें यह भी पता था कि बेटे का मित्र पुलिस कर्मी का बेटा है। उन्होंने 11,70,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। रकम के बदले में तुषार के मित्र ने चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया। कैफे बंद होने से मित्र मुंबई चला गया। उसके बाद तुषार और उसके पिता ने कई बार मित्र से रकम वापस मांगी। हर बार वह बहाने बनाकर रकम देना टालता रहा, लेकिन बाद में उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। इस कारण 21 अगस्त 2024 को तुषार ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। शनिवार को सदर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।